नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये एक छोटी सी लव स्टोरी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सत्यम और काव्या की है। अगर आप भी किसी से लव करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्यम और काव्या दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं और शाम को काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होना लाजमी है। एक दिन सत्यम और काव्या के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते। झगड़े के बाद कॉलेज में अगर दोनों एक दूसरे के नज़दीक से भी निकल जाए तो भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अब दोनों के बीच झगड़े के करीबन 4 दिन हो चुके थे। सत्यम का बर्थडे था, उसने अपने हॉस्टल के कमरे में कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था। सत्यम पार्टी दे रहा है, यह बात काव्या को पता चल जाती है और वह बिन बताए पार्टी में आ गई। पार्टी में काव्या को देखकर सत्यम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने काव्या से कोई बात नहीं की। काव्या की भी कुछ फ्रेंड्स पार्टी में आई थी और काव्या उनके साथ बात करने में मसरूफ थी। यह देखकर सत्यम को थोड़ा जलन हो रही थी, क्योंकि उसकी पार्टी में काव्या आई थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी। पार्टी शुरू हुई और सब ने बहुत इंजॉय किया। जब सब लोग हॉस्टल के कमरे से चले गए तो काव्या अकेली रह गई और सब लोगों के जाने के बाद काव्या ने हॉस्टल के कमरे को बंद कर दिया। यह देखकर सत्यम ने काव्या से पूछा, तुमने हॉस्टल का दरवाज़ा बंद क्यों किया? काव्या, सॉरी बेबी, मुझे माफ़ कर दो, तुम अभी भी नाराज़ हो ना? सत्यम हंसते हुए, अपना मुंह बंद करो, मैं और ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता। आई लव यू काव्या। काव्या सत्यम के नज़दीक आती है और पूछती है, तुम्हें किस चाहिए या हक? सत्यम कहता है, मुझे तुम पूरी की पूरी चाहिए। काव्या सत्यम की बाहों में गिर कर उसे कहती है, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रह सकती, तुमने क्यों मुझसे बात नहीं की? सत्यम, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तो काव्या कहती है, अच्छा चलो ठीक है, अब माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। काव्या सत्यम के लिए एक छोटा सा बर्थडे केक लाई थी। दोनों ने केक काटकर सत्यम का बर्थडे मनाया। उसके बाद सत्यम ने काव्या को कहा, अब जाओ अपने हॉस्टल में, तुम्हारी कल सुबह असाइनमेंट है। काव्या, नहीं अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है, अभी मैं तुम्हारे पास कुछ देर और रहूँगी। 1 घंटे तक दोनों खूब बातें करते हैं और फिर काव्या अपने हॉस्टल में चली जाती है। सत्यम को पता था कि काव्या से अब असाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। सत्यम पूरी रात जागकर काव्या की असाइनमेंट है। अगले दिन सुबह सत्यम काव्या को मिलता है और पूछता है, तुमने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली? काव्या कहती है, नहीं मैंने असाइनमेंट पूरी नहीं की, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, मैं कल रात को बहुत लेट हो गई थी ना। सत्यम, मुझे पता था बेबी तुम असाइनमेंट पूरी नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारी असाइनमेंट पूरी कर ली है। काव्या चुपके से सत्यम को किस करती है और गले लगाकर कहती है, आई लव यू बेबी, यू आर द बेस्ट। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। प्यार में झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो लौट कर ज़रूर आता है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आप उससे कभी नफरत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।